मैं कमलेश कुमार सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत क्लास रिप्टाइला के प्राणी स्नेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। स्नेक्स या सर्प सभी लोग देखे होंगे और सभी लोग इससे भली भांत परिचित भी होंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सर्प पूरे संसार में इनकी लगभग 3000 जातियां हैं। 3000 जातियों में 300 जातियां बहुत विषैली होती हैं। भारत में इसकी 350 जातियां हैं। 350 जातियों में भारत में 69 जातियां विषैली होती हैं। 69 जातियों में 29 जातियां समुद्री होती हैं जो विषैली होती हैं, और बाकी जातियां जो होती हैं वो स्थली या टेरिस्ट्रियल होती हैं। स्नेक का पॉइजन विष मानव के लिए प्राण घातक होता है, इसलिए सर्प के बारे में जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। सर्प से पूरे संसार में प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 व्यक्तियों की मौत होती है। भारत में लगभग 30,000 प्रतिवर्ष सर्प के कारण मौत होती है। तो स्नेक के बारे में कैसे आप पता लगाएंगे कि स्नेक जो हमको बाइट किया है, काटा है, या कौन सा स्नेक पॉइजनस है, विषैला, और कौन नॉन पॉइजनस है? तो इस चार्ट के द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे कैसे आप सर्पों की पहचान कर सकते हैं बाह्य रूप से देख करके कि कौन पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस। तो स्नेक में यदि सर्प लैटरली फ्लैट टेल वाला हो, यानी पार्श्व रूप से अगर दबा हो, तब उसे हम सी स्नेक, ये जली या एक्वेटिक सर्प कहते हैं, जली। और अब जली जो सर्प होता है इसमें स्केल बिटवीन आई आर लार्ज, नेत्रों के बीच की स्केल अगर बड़ी है तो सी स्नेक समुद्री सर्प होता है। समुद्री सर्प ज़्यादा विषैला होता है क्योंकि जो समुद्री जल होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसका विष ज़्यादा कंसंट्रेट या सांद्र हो जाता है। इसलिए जितने भी समुद्री सर्प होते हैं सभी बहुत विषैले होते हैं। इसके बाद स्केल बिटवीन आई आर स्मॉल, नेत्रों के बीच की जो स्केल होती है अगर छोटी होती है तब उसे फ्रेश वाटर स्नेक कहते हैं, यानी जो अलवणी जल में पाए जाने वाले सर्प होते हैं उसी को फ्रेश वाटर स्नेक, जैसे तालाब, पोखरा, नदी आदि में। तो ये जो फ्रेश वाटर स्नेक होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं, ये विषहीन होते हैं।
इसके बाद यदि सिलिंड्रिकल बेलनाकार टेल होती है तब इसे हम लैंड स्नैक कहते हैं, स्थली स्नैक कहते हैं, और स्थली स्नैक पॉइजनस भी होते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं। इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि स्नैक के अधर साइड वेंट्रल, ये डार्सल वेंट्रल अधर साइड से हम इसकी स्केल का अध्ययन करते हैं, यानी सर का जो अधर साइड होता है उधर से अध्ययन करते हैं। यदि अधर साइड में छोटी छोटी स्केल है और सभी स्केल एक समान है, यूनिफॉर्म स्मॉल वेंट्रल स्केल अगर है तो ये सर नॉन पॉइजनस होगा, विषहीन होता है। इसके बाद फिर यदि जो वेंट्रल अधर साइड की स्केल है अगर पूरी लंबाई में फैली है, कंप्लीट वेंट्रल स्केल, कंप्लीट पूरी चौड़ाई तक अगर कंप्लीट है स्केल तो यह नॉन पॉइजनस या पॉइजनस हो सकता है। इसके बाद यदि जो अधर साइड वेंट्रल साइड की स्केल है ब्रॉड है, चौड़ी है, बट इनकम्प्लीट वेंट्रल स्केल अपूर्ण है तो वह नॉन पॉइजनस स्नैक होता है। इसके बाद फिर मध्य में आपको बताएं कि यदि कंप्लीट है अदर स्केल तो पॉइजनस या नॉन पॉइजनस होगा। अब इसकी पहचान हम सिर से करते हैं, हेड का अध्ययन करते हैं। अब इसमें सिफैलिक स्केल आर स्मॉल ऑन ट्राइएंगुलर हेड, जो त्रिकोणाकार इसका सिर होता है, यानी सिर के ऊपर की अगर स्केल छोटी छोटी है तो ये पॉइजनस स्नैक होगा। इसे पिटलेस वाइपर कहते हैं, इसमें पिट नहीं होता और इसे पिटलेस वाइपर कहते हैं क्योंकि इसको हम साइड व्यू से पार से देखने पे हमें ऐसा दिखाई देता है कि इसमें पिट नहीं होता और सिर पर छोटी छोटी स्केल्स लगी होती है, तब ये पॉइजनस स्नैक होता है, इसे पिटलेस वाइपर कहते हैं। इसके बाद फिर यदि नो लोरियल पिट सिफैलिक स्केल आर लार्ज, इसमें लोरियल पिट नहीं होता और अगर हेड के सिफैलिक माने हेड रीजन की स्केल अगर बड़ी बड़ी है तो ये नॉन पॉइजनस या पॉइजनस स्नैक हो सकता है या विषहीन या विषैला हो सकता है। इसके बाद लोरियल पिट प्रेजेंट, अगर लोरियल पिट जो नेत्र और नास्टिल के बीच एक पिट होता है, गड्ढे के आकार की रचना होती है स्केल की बनी और उसे लोरियल पिट कहते हैं। लोरियल पिट यदि प्रेजेंट है और सिफैलिक स्केल लार्ज है तो यह पिट वाइपर कहलाता है और पिट वाइपर पॉइजनस होता है। इस तरह से हम हेड को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन पॉइजनस है कौन नॉन पॉइजनस। अब जो मध्य में आपको बताया गया कि नॉन पॉइजनस और पॉइजनस के नीचे जो हेड है, हेड में अगर नो लोरियल पिट है तो ये नॉन पॉइजनस या पॉइजनस हो सकता है। इसके बाद इसमें पुनः हेड को हम
थर्ड लैटरल स्केल ऑफ अपर लिप जो तीसरी पार्श स्केल होती है ऊपरी होंठ की तरफ, यदि टचिंग नास्ट्रिल एंड आई, जो नास्ट्रिल और आई को टच की होती है, तो यह पॉइजनस होता है। जैसे कोबरा, कोबरा की एक विशेषता होती है कि इसमें हुड होता है, हुड पर स्पेक्टिकल चश्मे के आकार की रचना होती है, और आप भी जानते हो कोबरा ये डेडली पॉइजनस होता है। और यदि पृष्ठभाग डार्सल साइड में एक मध्य रेखा पर हेक्सागोनल स्केल अगर पाई जाती है, खटकोणी स्केल की एक कतार मध्य पृष्ठ भाग पर उभरी होती है, तब ये करैब कहलाता है और ये करैब डेडली पॉइजनस होता है, यानी ये अत्यंत विषैला होता है। इस तरह से आप देख करके पता कर सकते हैं कि जो स्नैक है वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस। अगले वीडियो में हम स्नैक के वेनम विष और इसकी बाइटिंग मैकेनिज्म और स्नैक के करैक्टर लक्षण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।